नमस्कार। 8 नवंबर को दिन मंगलवार चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। पूरे विश्व के लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग कोई फोटो खींचेगा और कोई ग्रहों की खगोलीय घटनाएं की इसकी बहुत अध्ययन करने पर वैज्ञानिक लगे हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण इसलिए है क्योंकि अब से लगभग चार साल बाद दूसरा ग्रहण आएगा और इस वर्ष का ये अंतिम चंद्र ग्रहण होगा। अभी 15 दिन पहले ही एक ग्रहण होकर समाप्त हुआ है, दीपावली का, 25 अक्टूबर का। जब दो ग्रहण 15 दिन के अंदर अंदर आते हैं तो सृष्टि में बहुत बड़े बड़े बदलाव, संकट, परेशानी, चिंताएँ, एक्सीडेंट, झगड़े, आगजनी, हिंसा, ब्लडशेड और कई प्रकार की लैंडस्लाइड, तूफान, बाढ़ आदि बहुत घटनाएं होती हैं। तो मैं बात कर रहा हूं आपसे 5:28 पर शाम को शुरू होगा चंद्र ग्रहण और 6:19 पर इसकी समाप्ति है। इसका सूतक काल प्रातः 8:10 से शुरू हो जाएगा। मंदिरों में पूजा नहीं होगी, सब कुछ इस प्रकार से मंदिरों के कपाट बंद होते हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके ऊपर साइड इफेक्ट होता है। यह ग्रहण कई राशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारी राशियों को बहुत बड़ा लाभ भी होगा और जिन जिन राशियों को हानि होगी उनकी आप बात, उनकी राशि का नाम सुन लीजिए। मेष राशि, तुला राशि, टेंशन, परेशानी, चिंता और गृहस्थ जीवन में परेशानियां, जिनकी सगाई वगैरह हुई है वो टूटने का खतरा, ये सब बातें ध्यान देने योग्य हैं। इसके अलावा कन्या राशि के लिए अशुभ रहेगा क्योंकि कन्या राशि से अष्टम भाव में है ये। मीन राशि के लिए अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है और मकर राशि के लिए ठीक नहीं है क्योंकि चतुर्थ है। चौथा आरवा जब चंद्रमा होता है, 12वां चंद्रमा किसके लिए होगा? वृष राशि के लिए। तो ये जो राशियां हैं ये निशाने पर हैं ग्रहों के और राहु तो साथ में है ही चंद्रमा के। इसके अलावा इस राशि पर 12वीं बृहस्पति भी चल रही है। राहत की बात यह है कि तीसरे स्थान में मंगल है, ये पराक्रम बढ़ाने वाला है, आपकी हिम्मत बनी रहेगी। तुला राशि के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि तुला राशि पर इस समय सूर्य नीच राशि में है, केतु भी है, राहु की दृष्टि है, शुभ ग्रह देख नहीं रहा है, शनि भी देख रहा है। तो तुला की स्थिति इस समय मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो तुला राशि वाले सबर करें, सावधानी से चलें। लेकिन यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा, कुछ ज्योतिषी टीवी पर या यूट्यूब में या अखबारों में डराते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा, सावधानी ही उपाय है। एक आदमी ने लिखा कि आपका घर बस बर्बाद हो जाएगा, तुला राशि का ये होगा, कुछ नहीं होगा, आप सब सुखी रहेंगे। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जब हम इस प्रकार से अपने राष्ट्र की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं तो हमारे जो देशवासी हैं उन पर कोई कष्ट परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ये वीडियो के द्वारा संदेश देने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि भ्रांतियों में ना फंसे, अंधविश्वास में ना डर नहीं फंसना है, तो सचेत होकर के काम करेंगे तो सबके लिए अच्छा ही होगा। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ अपनी बात को। धन्यवाद। नमस्कार।